इस प्यार के सदके। अच्छी बीवियां अपने खावंद की टाई खुद बांधती हैं, इस तरह वो उनके काबू में रहते। जी जी मैं सीख लूंगी। बहुत ही चालाक और लालची इंसान है इसका बाप। नाम लिया करो, अब्दुल्ला बोलो। बोलो अब्दुल्ला। हाय अल्लाह, नहीं नहीं शर्म आती है। नहीं शहबाज ग्रुप ऑफ कंपनीज हेयर। मैं जो शख्स ठीक तरह बोल नहीं सकता उसको आपने ये फायदे दिए। तो फिर क्या सोचा तुमने किस बारे में? बैठ शादी पे जाओगे कि नहीं? जी देख पाओगे इसे? उसी ने मुझे छोड़ा था। मैंने तो नहीं छोड़ा। मीर साहब ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। बड़े खानदान में शादी हुई है इसकी। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता था। अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो इस वक्त उस पागल लड़की की बजाय शानजे हमारे घर की बहू। आई एम हैप्पी डैड। हैप्पी तो फिर जाओ अपनी शादी का दावतनामा उसको देके आओ। देखता हूं कितना हैप्पी हो तुम। हाँ पर्सनालिटी में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बस ये हकलाना नहीं। और हाँ उस पागल लड़की को भी साथ ले जाना। आज मैरिज डट। रहीम ना पौधों को पानी दिया है ना धूप, मर गए हैं सारे। क्या हाल हो गया इनका? चलो उठाओ ये ले जाओ, बाहर ले जाओ, तीन चार दिन बाद वापस लेके आना। ठीक है बेगम साहब। जाओ। मॉम। हाँ हाँ Look at this. क्या हुआ? Wow! क्या कर दिया तुमने इसे? She's looking beautiful. आपको पता है खाला जान, अम्मा भी मुझे बड़े वाले पार्लर लेके गई थी, एकदम बड़ा मजा आया था। अब मॉम को मॉम कहा करो ना खाला जान ने। नहीं तो खाला जान में क्या बुराई है ना? बुराई कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स को सूट नहीं करता ना। अब तुम खाला को खाला कहना चाहती हो तो कहो, लेकिन मॉम को मॉम कहा करो। जब हम कह सकते हो तो तुम क्यों नहीं? कहो मॉम। मॉम आ गया तुम्हारा शौहर, जाओ रिसीव करो उसे जाके। अल्लाह खाला जान, मेरा मतलब है मॉम, रिसीव तो मेहमानों को करते हैं, ये तो अपने घर में आ रहे नहीं। बेटा ये रोमांस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बहाने होते हैं, जाओ लेके आओ उसे। जाओ अकेले ही जाऊँ मैं। कोको ठीक लग रही हूँ। क्रेजी कहाँ से आया और क्या किया तुमने? शॉपिंग भी की? नहीं टाइम मिला। सलाम अलैकुम। अरे बात सुने कहाँ जा रहे? क्या हो गया इनका मूड क्यों ऑफ हुआ? मैं तो रिसीव करने आई थी, उन्हें अपनी तैयारी दिखानी थी। मुझे दिखा दो। वो अश्मा मुझे बड़े वाले पार्लर लेके गई थी आज, तो उन्होंने इस अहमा को कोई अंदाजा नहीं, अगर मेरी नजर से देखो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, खाला जान को देखा है आपने?
कितनी प्यारी हैं वो, इतने अच्छे बाल हैं, इतनी खूबसूरत आंखें उनकी। तुम्हारा मूड ऑफ क्यों रहता है वशमा? लड़ती रहती हो सबके साथ। यू नीड टू गो फॉर मेडिटेशन और समथिंग। हेलो हेलो हेलो, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा। हड़का दिया होगा। वशमा, आई एम लीविंग। अब माजबीन, ये कौन है? मॉम? मॉम नहीं, मम। मम मम। और ये डैड। वैसे सर्वर भी कहोगी तो भी चलेगा। जो आप लोगों की मर्जी। वैसे तुम मुझे सर्वर भी कह सकते। अल्लाह नहीं जी, आप तो हमारे बड़े, हम नाम से तो नहीं बुला सकते आपको। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुझे इस घर में कोई बड़ा नहीं समझता। जाओ जाओ, जबरदस्ती अपने शौहर से अपनी तारीफें करवाओ, उससे बोलो तुम्हें कैजुअल ड्रेसेस दिलवा के दे, और डिजाइनर से वलीमे का ड्रेस भी तो पिक करना है ना। जी ठीक है। एक मिनट, तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? जब किसी के लिए कुछ करते हैं। थैंक यू, ये कर्टसी होती है। आई लव। ये क्या है कर्टसी? मतलब किस? मतलब तमीज। तमीज, अब रिवायत। कर्टसी। आप भी तो सीख गए सर, ये भी सीख जाएगी। तो क्या कहते हैं मेजबीन? अल्लाह, तो आप बार बार पूछती हो। एक मिनट, थैंक यू, तमीज, कर्टसी। Courtesy. You're genius. For the office. तुम भी जाओ बेटा। जी। सॉरी, आज अब्दुल्ला के साथ दफ्तर में दिन कैसे गुजरा? ओके। I'm sure it'll get better. Yeah, I hope so. किसने कहा? नहीं, आपने अच्छा भी तो नहीं कहा ना। हाँ, अच्छी लग रही हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो मुझे। क्या है? मैं कह रही थी कि फिर मुझे वो कर्टसी शॉपिंग कौन कराएगा? आप ले चले ना फिर कर्टसी शॉपिंग के लिए। कर्टसी? घर में पहनने वाले ना आम कपड़े। कैजुअल। 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 हाँ, कैजुअल। कर्टसी का मतलब तो थैंक यू होता है। तीन लफ्ज सिखाए वशमा ने, कर्टसी, कैजुअल और मॉम। मॉम 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 मॉम। हाँ हाँ, उर्दू मीडियम है ना तो जरा गड़बड़ हो जाता है उर्दू इंग्लिश। मॉम मॉम।
चले फिर चले। कोवे कोवे मुझे सोना है अभी। कोवे वैसे एक दिन में तीन अल्फाज सही हैं। ऐसे ना हो कि याद ही ना रहे तो फिर आपसे डांट पड़ेगी ना। आजबीन प्लीज नहीं प्लीज प्लीज तो आता है नहीं बोलती हूँ ना मैं कितना। ओह गॉड का भी पता है अल्लाह मियाँ जी है ना अल्लाह मियाँ जी अल्लाह चलिए शॉपिंग कब जाएं बाहर हूं मैं आ जाना। अंग्रेजी सिखाते सिखाते कहीं इम्तिहान ना दिलवा दे। कर्टसी कर्टसी ओ गोवा भी कर्टसी गोवा भी कैजुअल प्लीज। ओ गॉड सारा तुम हमारी तरफ लंच पे आ जाओ ना। ओके सी यू देन बाय। अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो? वो शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। हाउ नाइस रात का खाना भी बाहर खाओ तुम दोनों। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं बाद में खा लेंगे खाना। पुअर बॉय चलो तुम बैठो मैं ले जाता हूँ बैठो। नहीं पता है सुबह भी ना वो वशमा के साथ गई है। अच्छा है अगर अब्दुल्ला उसको घुमाने फिराने ले जाए। नहीं ना डायरेक्ट को लेकर जाने दे मैं बता रहा हूँ तबीयत वैसे भी ठीक नहीं मैं किसी और दिन ले जाऊँगा पक्का। मैं तैयार होके आता हूँ। लेकिन आप पूरा दिन दफ्तर में गुजार के थके टूटे आए वापस। तो क्या हुआ भाई कोई तो लेके जाए इसको तैयार हुई भी। अच्छा डांटना मत वो डांट ऐसी बेचारी अजीब अजीब बातें कर जाती है ना। अरे सीमा मुंशी जी आप बता ही देते फोन करके कि आप आ रहे हैं आज। कॉल की थी माजबीन को इसकी माँ ने। अच्छा उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो जी मैं अंडों का हलवा बना कर लाई थी उसे बहुत पसंद है। कहाँ है वो? वो शॉपिंग करने के लिए गई है लेकिन अब्दुल्ला यहीं पे मैं बुला सकती हूँ उसे। जी अकेले शॉपिंग करने गई है उसे तो बिल्कुल अकल समझ नहीं है। नहीं नहीं सर्वर साथ गए हैं वो शॉपिंग करें और खाना खा कर फिर वापस आएंगे। क्या हुआ? मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मुंशी जी आप तो जानती हैं बेगम साहिबा। देखिए मुंशी जी आपके जितने भी मसले मसाइल हैं सर्वर के साथ ना वो अपनी जगह लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है। उसका जितना भी अच्छा ताल्लुक रहेगा ना घर वालों के साथ तो घर का माहौल ठीक रहेगा। नहीं नहीं बीबी जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हमारे यहाँ जवान बच्चे गैर मर्द। गैर मर्द कैसी बातें कर रही हो सीमा? नहीं बेगम साहब ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कहने का बस मतलब इतना है कि आप तो माजबीन की आदत जानती हैं बहुत मासूम है जो बात आती है दिल में बोल देती है। बस इस बात का डर खौफ रहता है कि कहीं उसके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो साहब को बुरी लगे। और अब वो जैसी भी है ना हम सर्वर से छुपा तो नहीं सकते
बेहतर नहीं है कि सर्वर को अभी से ही पता चल जाए? आदत पड़ जाएगी ना फिर उसकी हम सबको। अरे क्यों आए हो? तुमसे मिलने नहीं आया? कहीं तुम्हारे ने कमक से शांति की शादी का कार्ड तो नहीं? ओ! बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो डैड के साथ शॉपिंग करने गई है। वाह, वो किराए के अब्बा के साथ शॉपिंग करने गई है और तुम शांति की शादी का सोग मनाने आ गए हो? मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं, आप आए हो तो दो चार बातें सुनकर ही जाओ। तो देखिए आपका लाडला भतीजा क्या कारनामे करके आया। मजा आया शॉपिंग का? किस बात का मजा? ऐसी बिला वजह में इतने सारे कपड़े खरीद लिए, आपको पता है फजूल खर्ची का कितना गुनाह मिलता है? और मुझे तो इस बात की परेशानी है, अगर अम्मा को पता चल गया ना बड़ा नाराज होंगी। जहेज में जो इतने सारे कपड़े उन्होंने दिया आधे वापस ले लेंगी, संदूकचे में रख देंगी वापस फिर से। किसका जहेज? मेरा और किसका, मैं एक ही तो औलाद हूँ अपने माँ बाप की। तुम्हारी शादी हो चुकी है? अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ भाई, भूल ही गई। पता इसीलिए पास नहीं होती थी मैं, ये भुलक्कड़ पने की वजह से। वैसे ऐसी शादी भूल ही जाए तो बेहतर है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो शादी भूलने वाली बात है ना, ये आप छोटे साहब को मत बता दीजिएगा, पता है उनका बड़ा दिल दुखेगा। और उसका दिल अगर पहले से ही दुखा हो तो उसका क्या करें? हेलो, उनका क्यों दिल दुखा हुआ है? जिस लड़की से वो प्यार करता था ना, उसकी शादी होने वाली, कार्ड भी बढ़ चुके हैं। दुख की बात तो है वैसे। को ना पकड़ के बैट से मारना चाहिए। हमने बोला था माजी से शादी करने को। हाथ नहीं उठाना मुझ पे। क्यों ना हाथ उठाऊं? प्रेशराइज किया था हमने? किया था कि नहीं? नहीं। अपनी मर्जी से माजी से शादी की है? मर्जी से की है? तो मसला क्या है? I can't even take her out with me. क्या क्या करूं मैं बताओ? लंगड़ी है वो, गुंगी है, गुंगी है। नो no. खूबसूरत है ना? है कि नहीं? तो मसला क्या है? अच्छा वशमा, मुझे भी बात करने दोगी या नहीं? अब बात करने को बचा ही क्या है? आज ही के दिन सारे कीड़े नजर आ रहे हैं ऐसे। एक मिनट, भाई सर्वर ने तुम्हारे कान तो नहीं भरे? सच सच बताना, भरे कान? नहीं, डैड ने मुझे सिर्फ वो बातें बोली जो सच है, बस वही बातें बोली। देखा, इसी बात का शक था। मुझे एक बात बताओ अब्दुल्ला, ये सर्वर बार बार माजबीन की बात क्यों करता है? तुम क्या नहीं जानते माजबीन कैसी है? बताओ मुझे, तुम नहीं जानते माजबीन को? हाँ जानता हूं। तो फिर वो एक ही बात बार बार क्यों दोहराता रहता है? प्रॉब्लम मुझ में है, इट्स मी जिसमें प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं? कुछ नया बताओ ना, हम सबको ये पता है। वशमा, कैन यू प्लीज लेट मी टॉक? इधर देखो अब्दुल्ला, मुझे देखो, बताओ प्रॉब्लम है क्या, बोलो। त-
तुम वहां जाके आराम से इजी उजी हो जाओ, जाओ। मैं इधर इजी। अब्दुल्ला प्लीज मुझे देख सकते हो? अब बता क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली है। अब्दुल्ला लुक एट मी। और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का क्या हाल है? वापस शांजे के पास जाना चाहते हो मजीद जलील होने के लिए? नहीं। यू नो व्हाट, तुम जाओ। Let me talk. बोल हाँ। तुम जरूर जाओ लेकिन अपनी बीवी को साथ लेकर उसे अच्छी तरीके से तैयार करवा के ताकि उसे भी एहसास हो कि तुम खुश हो। और जानते हो अब्दुल्ला, बाज औकात इंसान खुश नजर आने की कोशिश में अपनी बाकी टेंशनें भी भूल जाता है। उसने अगर कोई स्टूपिड हरकत की तो तुम्हारी तरह तुम फिर बोली तो अब्दुल्ला करने दो ना। जब बीवियां स्टूपिडिटी करती हैं और उनके हस्बैंड्स इग्नोर कर देते हैं तो तुम्हें नहीं अंदाजा लड़कियों को ये बात कितनी अट्रैक्टिव लगती है, समझे? अच्छा बाकी बातें छोड़ो, ये देखो। क्या क्या ये? खोलो तो सही, तुम्हारे वलीमे का कार्ड। पता नहीं खाना कब आएगा, घर भी तो जाना है ना। बहुत प्यारी हो तुम, सच बताओ तुम्हें मुझ जैसा कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मेरा शौहर तो मुझे बहुत चाहता है, प्यार करता है, मुझसे ख्याल भी रखता है। और आप तो ना ही बात करें, आप ही तो हर वक्त मुझे घर से बाहर निकालने के चक्करों में रहते हैं, उसका क्या है? अब से नहीं कहूंगा दोस्त। मैं तो फट से दोस्ती कर लेती हूँ, बड़ों से तो मेरी ऐसे दोस्ती हो जाती है, अम्मा अब्बा से तो बेस्ट दोस्ती है, आपसे भी हो जाएगी। हाथ छोड़ दे। क्या हुआ?
क्या सोच रहे? कुछ नहीं, वैसे ही वो माजबीन को कॉल करो, पूछो घर पहुंच गई। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अब लड़की ब्याह दी है ना, बस उसके अच्छे नसीब की दुआ कीजिए। रही बात सर्वर की, वो उसका ससुर है अब बस। नहीं सीमा, वो किसी का कोई नहीं है, उसकी नियत में खलल है, वरना वो हमारी बेटी को अकेले इस तरह शॉपिंग पर नहीं लेकर जाता। और माजबीन इतनी अकलमंद नहीं है कि उसकी नियत को भांप सके। मुंशी जी आप भी ना, कुछ ऐसा वैसा देखा है नहीं, बस अंदाजे करके खुद भी हौल रहे और मेरा दिल भी हौला रहे। बेगम साहिबा के तेवर तो आपने देख ही लिए थे सरवर के सिकर पे। अब परेशान मत हो, मैं ना वलीमे पे माजबीन को समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। यार स्टॉप इट प्लीज। क्या करूं, नींद नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है ना, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सर्वर तो कह रहे थे तुम काम हम नहीं करते। उसे खुद कहा है कि मुझे सर्वर कहा करो। हाँ ऐसे उनका नाम नहीं दिया करो, आप कह के बोला करो, बड़े हैं तुम्हारे। बस की बात है, उसके साथ कोई इज्जत बिज्जत फील नहीं होती। हाँ वो तुमसे कह क्या रहे थे बताऊं? कह रहा था कैसे कुछ नहीं आता जाता। झूठ बोलने सारा काम आता है मुझे, मगर वो कुछ कोई बोलने नहीं देता मुझे। कितनी गलत बात है ना। हाँ। छोटे साहब होके भी कोई बात ही नहीं सुनता। आज ऑफिस में बहुत बड़ा ब्लेंडर पकड़ा था मैंने। हाँ कसम से। फिर डांट के चुप चुप करा दिया सबने मुझे बिला वजह। हाय ला। हाँ बड़ा ही दुख होता है। बहुत। मैं जब जब फेल होती थी आ जाते थे सब, घर वाले मोहल्ले वाले अम्मा बेइज्जती करने के लिए। भला बताओ अगर मैं फेल हो ही गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाओ। ओ तुम तो पढ़ती भी नहीं थी। मैं कम अज कम पढ़ता था और काम भी करता हूँ, फिर भी मुझे सुनाते। अच्छा मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पढ़ती नहीं थी। तुम पास होती थी? तुम पास होते थे? होता था मैं पास मैथ्स में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मैथ्स में होशियार नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताने तुरसे देके मार दो तुम। और वैसे भी अगर बात एक ही सब्जेक्ट की है तो मैं भी पास हुई। अच्छा जी। झूठ। किसमें? ड्रॉइंग में। जाओ यार। वो अलग बात है कि मैंने कॉपी किताबें रद्दी वाले को बेच दी, वरना एक गुड भी था मेरे पास। लेकिन मेरा यकीन कौन करेगा? पता? यही मसला है हम कमजोर पढ़ने लिखने वालों का। जितना मर्जी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, सब ताने मार के चुप करा देते। सही बात है, ऐसा ही है। सॉरी। बोला ना सॉरी। जाने दो जाने दो, अपनी महबूबा की शादी के बारे में तो बताया नहीं तुमने। ओके। हाँ अच्छा अच्छा पक्की वाली। हाँ ओके। अब ये ना करना कोई होशियार अच्छी खूबसूरत लड़की देखी तो मुझे छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं करूंगा ऐसा पक्का। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स
वो एक बात कहूँ? हाँ। कल हमें मीर साहब के पास जाना है वलीमे का इनविटेशन लेके, तो कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना, हम कल जाएंगे उनको उनके सामने प्रिटेंड करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। हाँ मीर साहब कौन है? वो शांजे के अब्बू। तुम्हारी महबूबा। ये क्या महबूबा महबूबा कहती रहती हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है। प्लीज अच्छा माशूका, देखो एक बात सच सच बताना मुझे, तुम एक्टिंग कर लोगी? एक्टिंग की क्या बात है, मैं तो पहले ही बड़ा खुश हूँ। खुश हूँ? हाँ बस बस मुझे यही चाहिए बस। ठीक है बस कल हम जाएंगे आराम से। हाँ ठीक है बेस्ट। लेकिन दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ वही हाल करूंगी जो मोहल्ले वाले नादिर का किया था। नादिर को पांचवी जमात में पढ़ता था मेरे साथ, दोस्ती की फिर वो कर गया, सर फोड़ दिया मैंने उसका। लेकिन हम लोग तो दोस्त हैं ना, चलेंगे ना फिर? मैंने देख लिया भाई। क्या सड़की को मैंने अच्छी तरह देख लिया, ये गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इवन आई कांट हेल्प यू, ना इसे बात करना आता है ना बहन ओढ़ना आता है, एब्सोल्यूट फेलियर। डैड अभी तो आई है, वो वक्त के साथ सीख जाएगी सब कुछ। नहीं सीखेगी बेटा, ये तुम इसे तलाक देके ना इसको वापस भेजो, फारिग करो इसे। डैड मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ उसे, मैं सिखा दूंगा ना वक्त के साथ, तो सब ठीक भी हो जाएगा। बेटा अगर सिखा सकते हो तो पहले खुद को सिखाते। तुम्हारे साथ पता क्या हुआ है? तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारी बहन ने और तुम्हारी फूफो ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह की। I've decided. हमारी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया बिकॉज हेलीपैड से वेन्यू तक तो हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे, सो इट्स गोना बी पॉइंटलेस। हे बट आई थिंक हम लोग बगी ड्राइव कुछ कर सकते हैं। नो शांजे, आई हेट टिपिकल रॉयल थीम्स। इसा व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, रॉयल थीम्स आर सो इन दीस डेज, और मैंने तो पूरी शादी की थीम मुगल रखी हुई है। वॉट, तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले लिया? वेल वी आर सिटिंग राइट नाउ, वी आर हैविंग अ टेबल टॉक, डिसीजंस इसी तरह लिए जाते हैं। मैं तुमसे बात कर तो रही हूँ इस बारे में। आर यू मैड? मैं अंकल को कॉल कर रहा हूँ और उनको बोलता हूँ कि सारे थीम वेस्टर्न पे रखें। नो यू कांट डू दैट, मैं अपना ड्रेस ऑर्डर कर चुकी हूँ एंड इट्स इन रेड कलर। इतने अर्जेंट बेसिस पे ड्रेसेस नहीं चेंज होते, ब्राइडल ड्रेस है इसे, तुम मुझे इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो? डोंट से दैट, तुम लाल रंग कैसे पहन सकती हो? आई मीन इट्स सच एन आउटडेटेड कलर। नो 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 वेट ईसा, एवरी ब्राइड वेयर्स अ रेड ड्रेस। शांजे, मेरी दुल्हन रेड कलर का ड्रेस नहीं पहनेगी एंड दैट्स फाइनल। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन, तुम इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो ईसा? एक मिनट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। माजबी बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े, दिया जले साए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं। चौंक गए ना?
लग रही है ना प्यारी? बहुत मेहनत की है मैंने। हाँ, गुड गुड, बहुत प्यारी लग रही है। बस अपना मुंह ना खोले वरना तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर मुंह खोल भी दे तो मासूमियत नजर आएगी, और वो लोगों को दिखाने में क्या हर्ज है? हाँ, लेकिन जिनके बंद मुंह से मकारी नजर आती है, अगर वो अपने मेकअप का इंतजाम कर लें तो ढके छुपे रहेंगे ना। अब्दुल्ला चलो चलो चलो, लेट हो रहा है मुझे। जाओ। कीस प्लीज। थैंक्स। Yeah.